मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वहीं प्रत्याशियों ने भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि साजापुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अरुण भीरवावत ने TGN 24 ने सीधे संवाद किया। आठवीं बार कांग्रेस प्रत्याशी हुकुम सिंह कराड़ा ने पार्टी को मौका दिया। कांग्रेस ने कद्दावर नेता है भीमावत, कितनी चुनौती मानते हैं साजापुर विधानसभा में रोजगार को लेकर के, अगर भीमावत चुनाव जीते तो क्या है उनकी राय। अरुण भीमावत पर पार्टी ने तीसरी बार भरोसा जताया, उस भरोसे पर कितना खरा उतरेंगे देखिए TGN 24 पर। आप देख रहे हैं TGN 24। साजापुर विधानसभा के अभीपुर में भाजपा प्रत्याशी श्री अरुण भीमावत जी से सीधा संवाद के दौरान कुछ सवाल पूछते हैं। भाजपा ने तीसरी बार आपको मौका दिया है, क्या लक्ष्य को लेकर आप मैदान में उतरे हैं? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शाजापुर ज़िले के समस्त नागरिकों को दीपावली के पावन पर्व की शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कमल का फूल को लेकर जनता के बीच में भेजा है। निश्चित रूप से मैं कार्यकर्ताओं की ताकत, मध्य प्रदेश सरकार की जल कल्याणकारी योजना, भारत सरकार की जल कल्याणकारी योजनाओं के साथ मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। निश्चित रूप से जनता में उत्साह का वातावरण है और 17 तारीख का उन्हें इंतजार है, और विशेषकर 9 मतदाता जिनका पहली बार वोटिंग के पावर मिलने वाले हैं, लोकतंत्र के मंदिर में वो भेजने वाले हैं। निश्चित रूप से उनमें जो उत्साह मुझे दिखाई दे रहा है वो सीधे सीधे राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और सीधे सीधे वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना को लेकर अपना वोट निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालने वाले हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले समय में 17 तारीख को जो मतदान होगा वो भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक होगा, और 3 तारीख को जो परिणाम आएगा वो शाजापुर में कमल का फूल खिलकर आएगा। शाजापुर विधानसभा के आपने सभी गाँवों में दौरा किया है, तो क्या जनसमर्थन से क्या लग रहा है? आप भी मेरे पीछे पीछे थे एक दो दिन, आपने भी देखा है जो जन सैलाब निकल रहा है, और विशेषकर हमारी लाडली बहना है और 9 मतदाता जिस प्रकार से उत्साह के साथ सड़कों पर आकर भाजपा के झंडे का स्वागत कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि लाडली बहना हमारी निर्णायक भूमिका में रहेगी चुनाव में। हमारे 9 मतदाता निर्णायक भूमिका में रहेंगे, उन्होंने मन बना लिया है, किसी भी धर्म के हो, किसी भी वर्ग के हो, उन सब ने एक ही संकल्प लिया है कि हमारा मत भाजपा के पक्ष में जाने वाला है, और मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी, और उसके बाद 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होंगे, उसमें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार आपको मौका देंगे तो क्या रहेगा? मेरा सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी कृषि महाविद्यालय को खोलना। शाजापुर जिला कृषि प्रधान जिला है, यहाँ के किसान के बच्चों को पढ़ाई की सुविधा मिल जाएगी, और उसके कारण से यहाँ जैविक खेती और परंपरागत खेती हमारी जो है वो निश्चित रूप से उसको बढ़ावा मिले और अच्छा उत्पादन हो, इसके लिए कृषि महाविद्यालय और वानिकी उद्यान उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना अगर यहाँ हो जाती है तो उसका सीधा लाभ यहाँ के किसान भाइयों को भी मिलेगा। साथ ही मेडिकल कॉलेज है, उसके भी मैंने जमीन आरक्षित करवा दी है, साथ ही नर्सिंग कॉलेज की भी हमने संकल्प के साथ परिकल्पना की है, वो भी शाजापुर जिला मुख्यालय पर नर्सिंग कॉलेज खोले। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो ट्रामा सेंटर जैसी सुविधा हम 2013 और 18 के बीच में देख चुके हैं। साथ ही हमने अब इसमें तय किया है कि डॉक्टरों की कमी नहीं रहने देंगे और अच्छी स्वास्थ्य सेवा लोगों को मिले, उसकी हम निश्चित रूप से निगरानी भी करेंगे। और साथ में जहाँ सड़कों का जाल हमने 2013 से 18 बिछाया था उसमें कुछ सड़कें रह गई है, जैसे मैं अभयपुर में खड़ा हूँ, अभयपुर में 100 मीटर की सड़क रह गई, उससे हमारा कुकड़ी छुट गई है, ये अगर जुड़ जाएगी तो आने वाले राहगीरों को और यातायात भी प्रभावित भी नहीं होगा। जैसे कुछ काम छोटे छोटे रह गए, बड़े काम सब हो गए, लेकिन छोटे छोटे काम पर मेरी निगाह है। और दूसरा परिवर्तन दिखेगा कि छोटे गाँव में प्राथमिकता के आधार पर जल कल्याणकारी योजना आम लोगों तक पहुँचे, इसको प्राथमिकता के लिए मैं रखूँगा। धन्यवाद। कैमरामैन सुनील गोयल के साथ TTN से मनोज सिंह राजपूत की रिपोर्ट।